हेलो गाइस, दिस सुधांशु मानधन है, वो वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो भाई लोग, बहुत लोगों का ये डाउट है कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज है रेवेन्सा पे, लाइक जैसे कि वो अपना ITM, BBA और अभी नया नया कोर्स जो लॉन्च हुआ है DSM, डाटा साइंस मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा कोर्स अच्छा है और आप लोगों को कौन सा कोर्स पर जानना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए। पहला तो चीज़ है कि फॉर्म फिलअप का डेट चला गया है। मैं फॉर्म फिलअप से पहले भी बोला था कि DSM पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि DSM का आगे जाके फ्यूचर, नेक्स्ट 4 to 5 years पे DSM का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। तो वो तो मैंने बोला था आप लोगों को, फिर भी दोबारा बहुत बच्चों का डाउट हो रहा है, अगर वो लोग ट्रांसफ़र करवाना चाहेंगे या फिर कुछ भी हो, अगर कुछ पॉसिबिलिटी है एडमिशन लेने का तो मैं बता देता हूँ, और जो लोग भरे भी हैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ। तो BBA से स्टार्ट करते हैं। तो BBA जो होता है, अपना डिपार्टमेंट जो है, BBA डिपार्टमेंट जो है, इनका भाई पढ़ाई हम लोग अच्छे, मतलब पढ़ाई बहुत ही बढ़िया है इन लोगों का, और टीचर्स जो लोग हैं इधर जो पढ़ाते हैं BBA डिपार्टमेंट पे, वो भी हाईली एजुकेटेड हैं। तो इधर आपको पढ़ाई बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन BBA डिपार्टमेंट का एक डिमेरिट क्या है, जैसे कि अपने बैच में क्या हुआ ना, थोड़ा सा जो मार्किंग था, मार्किंग बहुत ही हार्ड साइड पर रहता है, मतलब इतना अच्छा मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलता है। वो डिपेंड भी करता है, और हम लोगों के टाइम पे, मतलब हमारे बैच पे इतना अच्छा खासा मार्क हम लोगों को नहीं मिला है, और बाकी आप लोगों के टाइम पे क्या होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों के टाइम पे हम लोगों को अच्छा खासा मार्क नहीं मिला है। और BBA डिपार्टमेंट पे जब प्लेसमेंट सेल का बात आता है, हाँ टीचर लोग आप लोगों को हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत कि क्या क्या कंपनीज आते हैं, बस बताने के लिए, लेकिन एकदम प्लेसमेंट पे जाके बैठना, उधर कोई टीचर अपना प्रेजेंट रहना, वो सबका कुछ हेल्प वगैरह आप डिपार्टमेंट से आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो BBA डिपार्टमेंट का डिमेरिट यही है कि उधर से जो कोऑपरेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब आपको हर एक जगह पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और लेकिन BBA डिपार्टमेंट पे भाई फंक्शन वगैरह सब कुछ बढ़िया रहता है, उनका लेगेसी एक तो है, BBA डिपार्टमेंट का एक लेगेसी है, हमेशा जब भी कॉलेज पे हम लोग कुछ इवेंट बनाते हैं तो बहुत ही बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो BBA डिपार्टमेंट पे इवेंट वगैरह का थोड़ा सा लेगेसी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा वाला इवेंट ये लोग बनाते हैं। बाकी रहा ITM डिपार्टमेंट, ITM डिपार्टमेंट पे भाई देखो, ITM डिपार्टमेंट अच्छा है, पढ़ाई भी बढ़िया है, और कंपनीज भी आते हैं, उनका टीचर्स लोग भी हाईली एजुकेटेड हैं, और उनका सबसे बड़ा मेरिट यही है कि उनका टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑपरेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। उनका टीचर लोग स्टूडेंट लोग को सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे, ऐसे कि जब कैंपस पे आते हैं भी, कैंपस को जब कंपनीज भी आता है तो टीचर लोग उनका ITM वालों में प्रेजेंट रहता है, वो बच्चों को असिस्ट भी करते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उनका एक बड़ा चीज़ है, और वो लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट लोगों को। तो ITM डिपार्टमेंट है, ये एक अच्छा मेरिट है, ठीक है। उसके बाद DSM पे क्या है ना, ये नया वाला कोर्स है डाटा साइंस मैनेजमेंट, और डाटा साइंस का भाई आगे स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर कोई बंदा DSM फिलअप किया है तो आप लोग ऑब्वियसली रेवेन्सा का फास्ट बैच हो गए DSM पास आउट का, मतलब DSM का आप लोग फास्ट बैच हो गए, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो DSM पे कौन सा वाला मास्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे, कौन सा वाला टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ये तो मेरे को मालूम नहीं है, पर फर्स्ट बैच है। लेकिन मैं कोर्स को देख के मैं बोल रहा हूँ, हाँ इट विल बी ग्रेट फॉर यू, मतलब अच्छा खासा होगा आपका कैरियर आगे जाके, बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इसके आगे कैरियर बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप लोगों के लिए डिपेंड, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कौन सा कोर्स चूज करेंगे। मैंने बता दिया कि BBA का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और ITM का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। उसके बाद अपना DSM नया वाला बैच है, जो कि आप लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है कि आप रेवेन्सा का DSM बैच का फर्स्ट बैच बनोगे रेवेन्सा का। सो आई होप कि आप लोगों को टोटल सिनेरियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो, ठीक है।